सम्मान्य आदरणीय दीदी। नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने कहा था खेला हुबे और खेला हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 213 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 77 सीटों के साथ बंगाल में मुख्य विपक्षियों का चेहरा बन गई। जिस नंदीग्राम ने उन्हें पहली बार राज्य की सत्ता दिलाई थी, वहां के लोगों ने इस बार दीदी की ममता को स्वीकार नहीं किया और उनके पूर्व सहयोगी रहे सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सुवेंदु ने उन्हें 1956 वोट के अंतर से पराजित किया। सुवेंदु अधिकारी को जहां 1,10,764 वोट मिले, तो वहीं ममता बनर्जी केवल 1,08,808 वोट ही हासिल कर सके। लेकिन अपनी सीट हारने के बाद भी बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का दम भर रही है और इस एकजुटता में कांग्रेस को दरकिनार करते हुए दिल्ली मुंबई एक कर चुकी। अरे क्या यूपी है? अभी यूपी नहीं है, यूपी क्या है? देश के लिए आज बीजेपी के हराने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। मैंने महाराष्ट्र में आए थे, मैं उधर का तबीयत ठीक नहीं है, किसी के लिए मेक तो नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रे टू गॉड ही शुड रिकवर स्पीडी रिकवरी। 70 के दशक में मात्र 15 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाली ममता बनर्जी ने सबसे पहले एक पदाधिकारी के रूप में 1976 में अपना काम संभाला। कभी राजीव गांधी के पीछे खड़ी रहने वाली ममता बनर्जी के बारे में तब कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ममता बनर्जी कांग्रेस को ही दरकिनार कर देंगी। ममता बनर्जी का मकसद बिल्कुल साफ है, किसी भी कीमत पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षियों को एकजुट करना, लेकिन उन तमाम विपक्षी चेहरों में कांग्रेस शामिल नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो राजनीतिक लिहाज से देश में सियासी तपिश हर दिन बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता अपनी पार्टी टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहती है। जिस तरह से ममता कांग्रेस के खिलाफ रणनीति बनाने और सियासी गोटे को फिट करने की कोशिश कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं उनको फायदा तो कहीं नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के खिलाफ इन दिनों ममता बनर्जी ने जिस तरह से हल्ला बोल रखा है, उसमें एनसीपी और शिवसेना किसी भी तरह से टीएमसी के साथ खड़ी होते हुए नहीं दिखना चाहेगी। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार चलाए रखने के लिए कांग्रेस का समर्थन हर हाल में चाहिए। अगर शिवसेना ममता के साथ जाती है तो कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले सकती है, जिस स्थिति में सरकार चल नहीं सकती। शिवसेना हो या एनसीपी, कांग्रेस के साथ रिश्ते खराब कर राज्य में चल रही गठबंधन सरकार के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहेगी। इन दोनों पार्टी को मालूम है कि उनके टीएमसी पाले में खड़े होने को कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। वैसे भी महाराष्ट्र में टीएमसी का कोई लेना देना है नहीं, और ऐसे में एनसीपी या फिर शिवसेना कांग्रेस से बगावत करके टीएमसी का दामन थाम ले, ये बात किसी भी तरह से पच नहीं रही है। खासकर तब जब लोकसभा चुनावों में 2 साल से ज्यादा का समय बाकी हो और ये भी तय ना हो कि अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दलों से ममता को कितना समर्थन मिलेगा। आपको बता दें, ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि मुंबई में उन्हें कांग्रेस के खिलाफ समर्थन भरपूर मिलेगा, जिसके दम पर आने वाले लोकसभा चुनावों में अपना करिश्मा मोदी के खिलाफ वो बिखेर पाएंगी। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के मुकाबले विपक्ष को गोलबंद करने के इरादे से निकली ममता बनर्जी को महाराष्ट्र से उस तरह का समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी। वहां उनकी एनसीपी और शिवसेना के नेताओं से मुलाकात हुई। शिवसेना ने तो खुलकर कह दिया, कांग्रेस के बगैर बीजेपी के खिलाफ कोई भी विपक्षी गठबंधन बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने वाला होगा। शिवसेना का यह बयान ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसा लगता है ममता बनर्जी अपनी पार्टी का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश में कांग्रेस को साइडलाइन करने का फैसला जल्दबाजी में ले चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश में ममता बनर्जी अगर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोले हुए होती तो शायद उन्हें समर्थन मिल सकता था। बता दें, पश्चिम बंगाल की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस की टीम ने सबसे पहले त्रिपुरा का ही रुख किया था और ये ममता बनर्जी के लिए बंगाल से बाहर पहला चुनावी फीडबैक है, जिसमें 2 स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी देखे जा सकते हैं। पहला ये कि तृणमूल कांग्रेस राज्यों में मौजूदा विपक्ष को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और दूसरा ये कि तृणमूल कांग्रेस की महत्वाकांक्षी विस्तार योजना आखिरकार बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रही है। त्रिपुरा चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी और उनकी टीम के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एक्सटेंशन प्लान का पहला
और एक बहुत ही छोटा सा नमूना है। और जिस तरह का प्लान ममता बनर्जी मुंबई जाकर शरद पवार से डिस्कस कर चुकी हैं, लबोलुआब बिल्कुल यही है। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार कैसे टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी का पूरा पूरा फायदा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी 250 लोकसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी और शरद पवार दोनों इस बात पर सहमत हैं कि बीजेपी ऐसी सीटों पर आसानी से कांग्रेस पर बढ़त हासिल कर सकती है। अब आप यहां पर यह सोचिए कि अगर ममता बनर्जी ऐसी ही सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को उतारेंगी, भले ही वो सभी 250 सीटों पर ना हो, सीधा नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का ही होगा। और कांग्रेस के नुकसान से सीधा लाभ जिसको होगा वो है बीजेपी। खैर, यहां कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और टीएमसी की आपसी जंग में आने वाले समय में बीजेपी को ही फायदा होने की पूरी उम्मीद है।